नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवे में आपका स्वागत है। आज है फ्राइडे और हर फ्राइडे को हम पॉलिटिकल साइंस के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बेसिकली ये बताया था अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस कि बेसिकली ये सब्जेक्ट क्यों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्या ट्रेंड्स रहे हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमने पहले वीडियो में देखा। आज का वीडियो उससे भी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एक ही टाइम पे पॉलिटिकल साइंस में भी आप पढ़ते हो प्लस आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो, तो एक कोर्स दो दो सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स कवर अप हो रहे हैं। प्लस आज का वीडियो एक बेस की तरह एक्ट करेगा पूरा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, मैं चाहती हूँ कि आप इन पांच इवेंट्स को अच्छे से समझो ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग कैसे हुई, ठीक है। सबसे पहले 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया आए। आप बोलोगे मैम उसके पहले की हिस्ट्री हम क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ब्रिटिशर्स आने से पहले हम इंडिया में अलग अलग किंगडम्स में सुगून में रह रहे थे। ब्रिटिशर्स आने के बाद उन्होंने एज अ कंट्री पूरा हमको रूल किया और तब हम में जाके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आया, तब हम सब में एक कॉमननेस आ गई टुवर्ड्स अ मदरलैंड, ठीक है। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स का अराइवल अपने पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ईयर 1600, उसके एग्जैक्टली 164 ईयर्स के बाद बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स ने पहली बार दीवानी राइट्स टेस्ट किए, ऑब्टेन किए। दीवानी राइट्स में बेसिकली उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना नहीं बट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पावर होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप तो बोलोगे मैम 1757 में बैटल ऑफ प्लासी भी तो हुआ था। एब्सोल्युटली राइट, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बट बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि हम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और पपेट रूलर्स जो होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। बट मीर कासिम ने क्या किया था, ही रिवोल्टेड एंड दैट इज व्हाई बैटल ऑफ बक्सर हैपेंड। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि पपेट रूलर्स जो होते हैं वो चांस होता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ या वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक्टिव रोल करने का डिसाइड किया बैटल ऑफ बक्सर में। तो देख रहे हो 164 ईयर्स के बाद, दैट इज आफ्टर 165 ईयर्स, दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। 9 साल तक 1773 तक ब्रिटिशर्स एक्चुअली अगर आप देखने जाओगे बहुत सारे ज्यादा प्रोविंसेस इंडिया में ब्रिटिश रूल के अंदर आ चुके थे, कंपनी रूल के अंदर। ओवर द ईयर्स 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर उसको रिवोल्ट ऑफ 1857 फेमसली बोला जाता है, सिपॉय म्यूटिनी भी बोला जाता है क्योंकि वहां पे सिपॉयज ने रिवोल्ट किया था। फेमस स्टोरी ऑफ मंगल पांडे भी आपको पता होगी, ठीक है। उस रिवॉल्ट की वजह से क्या हो गया 1857 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखो मैं अभी आप एक फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो कि 1765 में जब कंपनी ने रूल स्टार्ट किया, कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी बट वो सारी अपडेट्स या सारी रिपोर्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंग्लैंड में दे रही थी। 1857 के रिवॉल्ट के टाइम क्या हो गया, कंपनी ने इतने लॉस सफर किए और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट चली गई, उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी का रूल अभी इंडिया में बंद हो जाएगा, नाउ क्राउन रूल विल स्टार्ट इन इंडिया। सो 1858 में कंपनी रूल खत्म होके क्राउन रूल स्टार्टेड। दोनों ब्रिटिशर्स ही है, दोनों में सुप्रीमेसी ब्रिटिश की थी बट पहले कंपनी का रूल था जो 1858 के बाद हट गया। फिर आपको याद रखना एमएन रॉय, एमएन रॉय नाम के एक ऐसे कम्युनिस्ट थे जिन्होंने 1934 में ये डिसाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया ऑल्सो नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर ओन। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू सजेस्ट कि इंडिया नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब पूछोगे मैम कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फ्रेमवर्क होता है जो बताता है कि गवर्नमेंट के पास क्या राइट्स है, इंडिविजुअल्स के पास क्या राइट्स है, क्या क्या हमको फॉलो करना चाहिए, एक रिटन फ्रेमवर्क। तो एमएन रॉय को ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट दैट और उनके सजेशन के वजह से 1940 में ऑगस्ट ऑफर आई। ऑगस्ट ऑफर में ब्रिटिशर्स और इंडियंस ने माना कि हाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, इंडियंस को अलाउ करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए 346 ईयर्स बैक 1600 से हम स्टोरी देखे, ठीक है। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, कंपनी रूल को डिटेल में समझेंगे, क्राउन रूल को डिटेल में समझेंगे और ऐसे क्या क्या इवेंट्स थे, क्या क्या पॉइंट्स थे जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया वो हम देखेंगे, बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट, हर स्लाइड के बाद जहां जहां मुझे लगा आपके लिए क्वेश्चन पूछूं, मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। अगर इस स्लाइड में आपको कुछ डाउट नहीं है तो आगे चल के क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following suggested for the need of constitution in 1934? आप बता दो, इसके लिए आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली आंसर इज एम एन रॉय इन द ईयर 1934। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब अगर आपने प्लानिंग वाला वीडियो देखा होगा इकोनॉमिक्स का, तो एम एन रॉय ने 1945 में पीपल्स प्लान प्रेजेंट किया था, प्लस 1944 में 10 साल बाद उन्होंने खुद का एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रफ ड्राफ्ट भी बनाया। सो बेसिकली ही वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, अ वेरी गुड कम्युनिस्ट लीडर, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू सजेस्ट नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आज का प्लान देखते हैं। आज बेसिकली हमने क्या किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दो इवेंट्स में डिवाइड किया। एक मैंने आपको बोला कंपनी रूल, दूसरा मैंने आपको बोला क्राउन रूल। 1773, आप अभी बोलोगे मैम बैटल ऑफ बक्सर तो 1757 में हुआ, बैटल ऑफ बक्सर तो 1764 में हुआ, फिर कंपनी रूल 1773 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, तब कंपनी के पास सिर्फ क्या था, बिहार, बंगाल, ओडिशा। कंपनी ने 1773 तक पूरी कंट्री में सारा अपने सारे प्रोविंसेस में अपना रूल ऑक्यूपाई किया। इसके लिए कंपनी का रूल हम 1773 से पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1773 से लेके 1858, मतलब जब तक वो रिवॉल्ट खत्म नहीं होता तब तक, मतलब अराउंड 85 इयर्स, ब्रिटिश कंपनी ने चार एक्ट्स निकाले। आरपीसीसी, इन एक्ट्स के नाम पहले आपको याद रखने हैं। आरपीसीसी देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिस साल कंपनी रूल स्टार्ट हुआ, उसके इमीडिएटली 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके एग्जैक्टली बाद 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आरपीसीसी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। रेगुलेटिंग का मतलब होता है मेंटेन करना या कंट्रोल करना, और चार्टर का मतलब होता है कि कोई भी अगर सपोज सोवरेन है या लेजिस्लेटर, कोई भी गवर्नमेंट ने अगर किसी स्टेट, टाउन या सिटी को कोई एक पावर दी है कि आप ये चीज कर सकते हो, चार्टर का मतलब होता है फरमान देना, ठीक है। तो ऐसे क्या राइट्स कंपनी को मिले थे, किसने दिए थे, वो हम कंपनी रूल में पहले देखेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो रहेगा क्राउन रूल, 1858 से लेके इंडिया इंडिपेंडेंट होने तक 1947 तक, ठीक है। उसमें आपको 7 एक्ट्स याद रखनी है, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 3 इंडियन काउंसिल्स एक्ट, और एक लास्ट वाला इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो आपको ये पता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 सेवेंथ लास्ट रहेगा। इन 6 एक्ट्स को कैसे याद रखोगे, पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर 3 काउंसिल्स एक्ट आते, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, एग्जैक्टली 3 साल बाद, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। जो 1909 वाला इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी इंडियन काउंसिल एक्ट से। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये एक्ट जब आया तब देखो 1905 में बंगाल पार्टीशन हो गया था, उसके बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी अलग हो गए थे, तो बहुत ज्यादा चेंजेस इंडियन सिस्टम में आ चुका था। उसके बाद ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया, वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें मैंने 2 एडिशनल पॉइंट्स आपको साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड के बारे में बताया, ये एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बट इसका भी इम्पैक्ट आज के पॉलिटिकल सिस्टम पे है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, इसका भी इम्पैक्ट साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड करता है, इसके लिए इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ एक्ट है। क्यों पूछो, क्योंकि अभी का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी के जो अपने एक्ट्स है, वो सारे इसी से डिराइव है। और लास्ट वाला है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, वो तो आई नो कि आपको याद रहेगा, उसके पॉइंट्स काफी ज्यादा सिंपल है, आप समझ पाओगे। तो एक बार रिपीट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पॉज करके यहीं पे माइंड मैप याद करें। देखो मैं कभी आपको इतना एम्फोसाइज नहीं करती माइंड मैप याद करने पे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बाद में कर लोगे, बट जब तक आप यहाँ पे माइंड मैप याद नहीं करते हो, प्लीज वीडियो में आगे प्रोसीड मत करना। इसका एक रीजन ये है कि अगर ये आप याद कर लोगे, आपका एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, दूसरी चीज अगर आप इसको पेंडिंग रखोगे
तो अननेसेसरी आपके दिमाग में एक बर्डन रहेगा, अरे इतनी सारी चीजें याद करनी है। याद कर लोगे तो थोड़ी फैमिलियरिटी हो जाएगी कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले। तो एक बार आपके लिए मैं रिपीट करती हूँ, कंपनी रूल 1773 से 1858 तक चार एक्ट्स थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। फिर हम देखते क्राउन रूल 1858 से 1947, उसमें मैंने आपको बोला सात एक्ट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, उसके आगे अभी सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी रूल जो था 85 इयर्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहाँ पे आपको याद रखना है कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आपको याद इसके लिए रखना है क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, पहले एक्ट में आप सीख रहे हो गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, फिर बाद में वाले एक्ट में आप देखोगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर और जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं, फिर आप देखोगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसरॉय बन जाएंगे, और फिर लास्ट में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 उसमें आप देखोगे वाइसरॉयशिप हट गई। तो एक एक पोस्ट का प्रमोशन देख के उसको पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम से निकालना, इसकी एक हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, उनके असिस्टेंट्स के लिए एक काउंसिल बनाएगी चार मेंबर की, वो ठीक है। आपको याद रखना है सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स WH। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दो सबॉर्डिनेट्स दिए गए, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। और क्योंकि ये बंगाल क्यों इतना फेमस था, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अगर कोई टेरिटरी जीती थी, ठीक है, जो उनके कंट्रोल के अंदर आई थी एंड जहाँ पे उनका ट्रेड काफी ज्यादा फ्लरिश हो रहा था, वो था बंगाल। तो इसे सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने कहाँ पे एस्टेब्लिश किया, कैलकटा में इन द ईयर 1774। जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ एक साल लगा पकड़ लो कोर्ट बनने में, प्लस कंपनी के सर्वेंट्स को मनाई की गई थी कि आप किसी भी नेटिव से प्राइवेटली कोई ट्रेड नहीं लोगे या गिफ्ट नहीं करोगे, गिफ्ट नहीं लोगे। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल, अगर आपने तुम्बाड़ मूवी देखी होगी तो तुम्बाड़ मूवी में जो ओल्ड शॉपकीपर होता है ना, वो उस ब्रिटिश ऑफिसर से कुछ बात करता रहता है, बट वो ब्रिटिश ऑफिसर उससे काफी चोरी छुप के गिफ्ट्स लेता रहता है। रीजन यही था कि कंपनी का रूल था कि कंपनी के जो सर्वेंट्स होंगे वो प्राइवेटली किसी के साथ कोई ट्रेड या ब्राइबरी नहीं करेंगे, सो दे डिडंट वांट करप्शन। और एक चीज याद रखना, COD, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक ऐसा बॉडी था कंपनी में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता था कि क्या क्या चल रहा है इंडिया में, कैसा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, कैसे हम रूल कर रहे हैं, कैसे मिलिट्री चल रहा है। इसका मतलब ये है कि पहली बार, इस एक्ट की स्पेशलिटी क्या है, पहली बार ऐसे दिखाया गया कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज एक्चुअली कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो भले ही हम कंपनी रूल पढ़ रहे हैं बट कंपनी को कौन रूल कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। कैसे पता चला कि कंपनी में एक डिपार्टमेंट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारी चीजें रिपोर्ट करता है। और पहली बार दिस इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखनी है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लॉर्ड नॉर्थ्स बिल भी बोला जाता है क्योंकि लॉर्ड नॉर्थ ने ये एक्ट, ये बिल प्रेजेंट किया था। ठीक है, ओके, RPCC मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हो गया, नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बट उसके पहले क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्या ये बात सही है, सही है। वॉरेन हस्टिंग्स बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल, हाँ। गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास बिकेम सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सही है। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज ट्रू, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3, ऑब्वियसली ऑल द थ्री। नाउ लेट्स मूव टू पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, तो अभी इस एक्ट में, पिट्स एक्ट ऑफ 1784 में पहली, अभी यहाँ पे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट किया गया। जैसे मैं आपको बताती हूँ रेगुलेटिंग एक्ट में वो किस में फोकस कर रहे थे, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। पिट्स एक्ट को लगा कि नहीं, कंपनी का मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट करना, कमर्शियल अफेयर्स, तो उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं हमको कमर्शियल इस पर फोकस करना चाहिए।
तो कंपनी की जो सोचने वाली बॉडी थी वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पिछले एक्ट में हमने देखा कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रही थी, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें तो कमर्शियल अफेयर्स पे फोकस करना है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक नई बॉडी को बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को उन्होंने बोला कि आप सारे पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करो, बाकी चीजें हम देख लेंगे। तो दिस टाइम यहाँ पे सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहा था, कमर्शियल चीजें, सीसी याद करो, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये काम था कि कंट्री में क्या क्या चीजें चल रही है, सिविल मिलिट्री सारी रेवेन्यूज को देखो जो ब्रिटिश पोजिशन थे इंडिया में। मतलब ये एक्ट पहली बार ऐसा रिटन प्रूफ देता है कि जो भी कंपनी की टेरिटरी इंडिया में थी वो ब्रिटिश पोजिशन थे इंडिया के। मतलब ये बता रहे कि कंपनी की टेरिटरीज नहीं, ब्रिटिश की टेरिटरीज बता रहे, ठीक है। मतलब आपको भले ही नाम कंपनी रूल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है वहां पे। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, सही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, हाँ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। आप मुझे बताओ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कमर्शियल अफेयर्स मैनेज कर रहा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि मैंने आपको बोला कोर्ट का सी और कमर्शियल का सी याद रखना, तो सीसीए यहाँ पे गलत है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या बोला था, पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए। सो आंसर इज ओनली 1 and 2, विच इज ऑप्शन ए। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखा, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 देखा, अभी क्या आरपीसीसी मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अभी देखना, रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 60 साल बाद, दैट इज 1833 में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये विलियम बेंटिक है। ऑब्वियसली अभी कोई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया तो उनको ज्यादा पावर्स चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सारी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल को दे दी, प्लस गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास की जितनी लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो निकाल के इनको दे दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। मतलब उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेज दो। द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। मतलब कंपनी ने जितनी भी टेरिटरी ऑक्यूपाई की वो क्या बोल रहे थे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन रूल के अंडर है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटरी एरिया पजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। प्लस ये तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी ब्रिटिश इंडिया को चारों तरफ से एज अ सेंट्रलाइज पार्ट कंसिडर कर रहे थे। वो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या फिर वो मुगल्स की तरह अपनी अपनी टेरिटरी नहीं कर रहे थे, पूरी लैंड को, पूरी लैंडमार्क को एज अ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिटिश इंडिया कंसिडर कर रहे थे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में आपको इतना ही याद रखना है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास की पावर्स चली गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और कंपनी की टेरिटरीज जितनी भी थी वो सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटरीज बन चुकी थी। क्वेश्चन देखते हैं। Which act made East India Company a purely administrative body? आंसर क्या रहेगा? अभी हमने पढ़ा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो R हो गया, P हो गया, C हो गया, लास्ट क्या बचा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो लेट्स सी दैट। चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1853 में अभी हमको क्या देखना है कि 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था उनके नीचे उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में और 6 मेंबर्स ऐड कर दिए गए। प्लस उन्होंने सोचा कि इन मेंबर्स को ऐड करने के लिए हमें स्मार्ट लोगों की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके लिए मैकॉले कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1854 आफ्टर द एक्ट वॉज पास। ये मैकॉले कमेटी ने ही इंडियन सिविल सर्विस ICS को 1861 में बनाया, ठीक है, जिसमें इंडियंस के लिए भी परमिशन था, ओपन था कि आप रिक्रूट हो सकते हो। स्टार्टिंग में भले ही वो कर नहीं रहे थे, ध्यान से सुनना, मैकॉले कमेटी आई 1854 में, 1857 तक कुछ हुआ नहीं था। 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ, उस रिवॉल्ट के बाद कंपनी रूल खत्म होकर क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, तब 1867 में उन्होंने बोला कि हाँ, इंडियन सिविल सर्विस ओपन फॉर इंडियंस टू। और 1864 में
एग्जैक्टली 4 साल बाद द फर्स्ट इंडियन टू बिकम इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर वॉज श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर, हु वॉज द सेकेंड एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, सो आपको ये याद रखना है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, प्लस इन्होंने बोला इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन क्या था कि जो नए 6 मेंबर्स ऐड हुए थे उसमें से 4 विल बी अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा. ठीक है, तो जो भी लोकल प्रोविंसेस से उनसे आप ऐड कर सकते. तो फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन को इतना स्पेशल फंक्शन दिया गया था कि सिग्निफिकेंस से ओपन सिस्टम फॉर ICS, ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस, और इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इसमें अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो कमेंट से पॉज करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853. इट इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव. सच बात है. मैकॉले कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, ये भी है. लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. अभी तक हमने लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ा नहीं था, वाइसरॉय के बारे में नहीं पढ़ा. फिर भी मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ. जब कंपनी रूल खत्म हुआ और क्राउन रूल स्टार्ट हुआ 1858 में, तब जाके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसरॉय बने. ठीक है, तो क्राउन रूल में वाइसरॉय है, कंपनी रूल में है ही नहीं. तो ऑब्वियसली थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत आएगा. सो आंसर विल बी 1 और 2, जो है ऑप्शन बी. ठीक है, इधर तक अगर आपका कुछ डाउट नहीं है, वीडियो को पॉज करो और एक बार सारे RPCC को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो. और तब तक नहीं तो हम आगे बढ़ते, वो है क्राउन रूल जो था 89 इयर्स के लिए. क्राउन रूल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार रिवाइज करो कि क्राउन रूल में हम 7 एक्ट्स देखने वाले हैं. पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर उसके 3 साल बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसमें हम साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड देखेंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर उसके बाद हम जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट पहले विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. इसको भी एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बोला जाता है. इसका रीजन मैं बता देती हूँ. अभी अभी एक्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, सारे इंडियंस गुस्से में थे. क्राउन रूल को ये बताना था कि नहीं नहीं हम अच्छी गवर्नमेंट है, हम लोगों के बारे में सोच रहे. तो इसके लिए उन्होंने बोला कि देखो हमने कंपनी को हटा दिया, हेंस फोर्थ इंडिया विल बी गवर्न बाय एंड इन नेम ऑफ हर मेजेस्टी, क्वींस रूल आ गया. सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी डेजिग्नेशन चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया. लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. एक क्विक रिविजन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, अब आप मुझे बताना कौन कौन से एक्ट में बने. फिर जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था, क्या था डबल गवर्नमेंट सिस्टम, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब COD और BOC. ठीक है, तो उन दोनों चीजों को हटाया गया. ठीक है, बोर्ड ऑफ काउंसिल को. फिर न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड. ध्यान से सुनना, ब्रिटिश कैबिनेट में मतलब वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कैबिनेट चल रहा था वहां पे एक नया मेंबर बनाया गया जिसका नाम था न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो सिर्फ इंडिया के लिए बनाया गया था कि इंडिया में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है. एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब उनका रोल था कि इंग्लैंड में बैठ के वो सारे रिपोर्ट्स लेते कि इंडिया में क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को उसके बारे में बताया. तो ये कब आया, जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ इंडिया में, दैट इज 1858. प्लस उन्होंने 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई, एडवाइजरी बॉडी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मतलब इन स्टेट इन जनाब को जो इंग्लैंड में कैबिनेट में ऐड हुए उनको 15 मेंबर की काउंसिल बॉडी बनाएगी जो उनको असिस्ट करेंगे. इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया गया, एबॉलिश किया गया और सारे पावर्स रूलिंग के गवर्नमेंट को दिए गए. देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके इन्फ्लुएंस में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, बट ये लोगों को बताने के लिए, देखो हमने कंपनी को हटा दिया अभी हम रूल करने वाले. एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ और सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको याद रखना है. ठीक है, फिर हम देखते इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861.
साल में इंडियन काउंसिल्स एक्ट में क्या हो गया, वाइसरॉय ने क्या किया, ही बिगिन टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ इट्स काउंसिल. तो उनके जो भी काउंसिल में मेंबर्स थे उन्होंने इंडियंस को अपॉइंट किया नॉट एज ऑफिशियल बट एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. अभी उन्होंने क्या किया, एक वाइसरॉय को इतनी वास्ट कंट्री रूल करना थोड़ा अफेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव पावर्स दिए बॉम्बे और मद्रास को, प्रेसिडेंसीज को रिस्टोर किया गया, पावर्स को थोड़ा डिवाइड किया गया कि हाँ आप आपकी प्रेसिडेंसी का रूल देखो, आप आपकी, और फिर हमें हमको आके रिपोर्ट करो. तो जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था उसको डिसेंट्रलाइज किया, रूल को थोड़ा डिवाइड कर दिया. सेंट्रलाइज का मतलब एक ही जगह पे पावर एक्यूमुलेटेड होती है, अकोमोडेटेड होती है, यहाँ पे उन्होंने पावर को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय, ध्यान से सुनना, टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस, एंड इट गेव रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसको लॉर्ड कैनिन ने 1859 में इंट्रोड्यूस किया. पोर्टफोलियो सिस्टम, ये ही इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 की खासियत है. पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी देखोगे, वी हैव अ फाइनेंस मिनिस्टर, वी हैव अ एजुकेशन मिनिस्टर, वी हैव अ रेलवे मिनिस्टर, तो हर जो मिनिस्टर है, हर जो कैबिनेट मिनिस्टर, उसका अपना एक पोर्टफोलियो, उसका अपना एक डिपार्टमेंट है जिसको वो रूल करता है, जिसके वो फंक्शंस प्रोसीजर्स देखता है, और उसके कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो प्रपोज करता है. ठीक है, तो वाइसरॉय ने भी यही बनाया, उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रेसिडेंसीज बनाई और उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया, जहाँ पे हर जो ऑफिसर था, जो काउंसिल मेंबर था, उसको उन्होंने एक एक पोर्टफोलियो दे दिया कि तुम ये डिपार्टमेंट संभालोगे, तुम ये डिपार्टमेंट संभालोगे. इसके लिए मैं बोलती हूँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड पोर्टफोलियो सिस्टम एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. तो आप मुझे बताओ, वाइसरॉय, आपको लग रहा है कि वाइसरॉय सारी जगह पावर्स बांट रहा है, तो आप गलत हो. वाइसरॉय ने अपने आप को एक स्पेशल पावर रखी टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. मतलब उन्होंने अपने आप को एब्सोल्यूट पावर्स दिए कि अगर उन्हें लग रहा है कि उनको कोई ऑर्डिनेंस इशू करना है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है, ये हम डिटेल में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे. बट ये टर्मिनोलॉजीज देखो कहाँ से आ रही है, 1861, तब तक इंडियंस को भी नहीं पता था. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने अपने एक्ट्स में इंक्लूड किए हुए वर्ड्स को बाद में हम अपने एक्ट्स में फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट में आपको क्या याद रखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, प्लस वाइसरॉय ने अपने आप को पावर ऑफ ऑर्डिनेंस दे दिया, जिससे उसको एब्सोल्यूट पावर्स मिलते थे कुछ भी डिसीजन लेना है इमरजेंसी के केस में. इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 हो गया, तो लेट्स सी द नेक्स्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892. यहाँ पे इसने क्या किया कि जो वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ले रहे थे, ठीक है, इंडियंस को, उन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की इसको बढ़ाया गया. तो फिर हमें क्या देखना है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में, कि जो 1861 के एक्ट में उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करना स्टार्ट किया था, वाइसरॉय ने अपने काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करना स्टार्ट किया था, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. अभी ज्यादा नंबर के लोग ऐड हो रहे हैं, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों जगहों पे, बट ऑफिशियल मेजोरिटी हमेशा मेंटेन की गई. ठीक है, प्लस उन्होंने क्या किया, इस डिस्कशंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनको पावर दे दिया कि अभी आप बजट के ऊपर डिस्कस कर सकते हो, नाउ यू कैन एड्रेस क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव. सो अभी वो डिसेंट्रलाइजेशन में पावर्स बढ़ा रहे थे सारे डिपार्टमेंट के. प्लस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट किया जाता था, अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड करने, तो वाइसरॉय उनको ये करते थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल मेंबर्स. और अगर सपोज लेजिस्लेटिव पे करना है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में करना है, तो गवर्नर्स करते थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर. जैसे मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल लेवल पे जैसे प्रेसिडेंट होता है और स्टेट लेवल पे जैसे गवर्नर होता है, तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे वाइसरॉय थे, स्टेट लेवल पे गवर्नर थे. तो आप देख रहे हो अभी का हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो काफी इन्हीं चीजों से डिराइव्ड है. तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या था कि पहली बार ही इलेक्शन द्वारा इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने की चीजें बता रहे थे, प्लस बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया, कि अभी हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे इन्होंने काउंसिल्स एक्ट में स्टार्ट किया. तो आपको याद रखना है बेसिकली कैसे, आप देखोगे 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई, तो बेसिकली क्राउन रूल अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा था. ठीक है, फिर 1861 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट है, तो वाइसरॉय अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे थे, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे थे, अपने आप को ज्यादा पावर्स दे रहे थे. 1892 में अभी कंपनी क्राउन भी सिक्योर्ड है, वाइसरॉय भी सिक्योर्ड है, अभी ये क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर्स बढ़ा रहे. इसका इम्पैक्ट 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट पे हुआ, कैसे हुआ देखते हैं.
अभी तक क्या हो गया है, साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ चुकी है क्योंकि इतने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड किया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल मेजोरिटी कहां पे है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, अलाउड मेजोरिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। तो सेंटर पे अभी भी जितने ऑफिशियली नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो ज्यादा है, प्रोविंसेस में चलता है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थी उनकी मेजोरिटी बढ़ गई, कोई बात नहीं। प्लस यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, नाउ दे वॉन्ट इवन द वाइस रॉयस, ठीक है, जो काउंसिल जो गवर्नर्स है, इवन गवर्नर्स कैन बी इंडियन, ठीक है, इंडियन एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। तो अभी उन्होंने क्या किया, पहले तो सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स करके इंडियंस को ले रहे थे, नाउ दे आर इवन टेकिंग देम एज ऑफिशियल मेंबर्स। सो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, आपको ये याद रखना है, बिहार ओरिसा के टाइम के वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। तो मैंने आपको फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर बताया था, हु वाज दैट, सत्येंद्रनाथ टैगोर, एंड दिस इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट कब आया, कि बंगाल पार्टीशन के बाद, और आपको पता है बंगाल को कैसे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया था, बेसिकली मुस्लिम लिविंग, मतलब क्या बोलते हैं, मुस्लिम लिविंग प्लेसेस एंड बेसिकली ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट भी यहाँ पे लिखो, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ पे ये डिवाइड करे कि हाँ मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट मिलेगा, इसके पहले तो ऐसे नहीं था, हिंदू मुस्लिम सेम थे, बट ब्रिटिशर्स हैव स्टार्टेड दिस कम्युनल डिफरेंस, इट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, अ लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, लॉर्ड मिंटो से याद है, मिंटो रिफॉर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, बट जब हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे तो लॉर्ड मिंटो से मिंटो रिफॉर्म्स रहेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कौन सी एक्ट ने बताया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। कभी आप कंफ्यूज भी हो गए तो भी याद रखना कि अच्छा 1905 में उन्होंने बंगाल को उसी बेसिस पे डिवाइड किया था, तो ऑब्वियसली उसी के बाद उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट किया हुआ। प्लस सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। तो यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम दैट लेड द वर्क फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कैसे इलेक्टोरल सिस्टम होगा, क्या होगा, इसके ऊपर इंडियन काउंसिल एक्ट बेसिकली ये करता है। और इसमें आपको याद रखना कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो अभी तक हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1892, और अभी हम देख रहे हैं 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ठीक है। तो ये सब होने के बाद ना लेट्स मूव ऑन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस वर रिलैक्स्ड बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अभी पहले देखो, पहले ना सारा पूरा टेंशन वाइसरॉय पे था, फिर वाइसरॉय ने पावर्स थोड़ी डिवाइड कर दी प्रोविंसेस में, अभी तो गवर्नर्स भी आ गए, तो सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी अभी सेंट्रल को कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना है वो सेपरेट हो चुका था, और प्रोविंसेस को कौन से सब्जेक्ट्स में ये करना, प्रोविंसेस मतलब अभी हम समझ लो अभी की स्टेट्स, जब मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, प्रोविंशियल लेवल तो आप समझ लो स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल मतलब समझ लो यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ना डायर्की आ गई, डिविजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, जो स्टेट के सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक था ट्रांसफर्ड, दूसरे थे रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो गवर्नर एडमिनिस्टर करता था विथ हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ट्रांसफर्ड को हेड करता था गवर्नर विथ हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो गवर्नर देखता था एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब रिजर्व सब्जेक्ट्स कुछ प्रोविंसेस में ऐसे जो सोलली गवर्नर और उसकी टीम देखते थे, बाकी लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। सो डायर्की ये कहाँ पे हो रहा है, स्टेट के सब्जेक्ट्स में, दो टाइप के सब्जेक्ट्स है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ट्रांसफर्ड में गवर्नर भी है, मिनिस्टर्स भी है, रिजर्व में सिर्फ गवर्नर और उसकी काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आएगी। फिर यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट बाइकैमरलिज्म। क्या है बाइकैमरलिज्म? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था, वाज रिप्लेस्ड बाय अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस।
काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, आज के जो आप देख रहे हो ना राज्यसभा और लोकसभा, वी हैव अ बायकैमरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये कौन से एक्ट से स्टार्ट हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? डायर्की इंट्रोड्यूस हुई, बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी बायस। इसका मतलब ये कि सारे स्टेट्स एक दूसरे और सेंट्रल गवर्नमेंट के सहारे काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र विल गिव इट्स ओन ओपिनियंस, कर्नाटका विल गिव इट्स ओन ओपिनियन, देर विल बी अ क्लैश, ठीक है। बट उसका अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द राइट टू इंटरफियर। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकता, ही हैज टू आस्क महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ही हैज टू आस्क कर्नाटका गवर्नमेंट, बट हिज डिसीजन विल बी सुपीरियर। मतलब यहाँ पे यूनिटरी, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को एक थोड़ा बायसनेस है, उनको थोड़ा फेवरिज्म है। फेडरल का मतलब होता है एक दूसरे के सहारे, यूनियन का मतलब होता है सोल, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में याद रखना डायरकी और बायकैमरलिज्म। हर बार आप जब एक एक्ट याद करो, वीडियो को पॉज करके रिवाइज किया करना, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछते कि डायरकी होता क्या है? डिविजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। क्या हमने सेंट्रल लेजिस्लेचर को डिवाइड किया था? नहीं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, नहीं। Having two sets of rulers, one in London and another in London, another in India होना चाहिए, but नहीं। Division of subjects delegated to the provinces, yes, provincial subjects को दो category में divide किया dyarchy में, transferred और reserved। Transferred में governor plus ministers थे और reserved में सिर्फ governor और उसकी council थी, yes, absolutely right। So अभी हमने देखा Government of India Act 1919, ठीक है, 1919, उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट अभी हम देखेंगे। इट इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडियंस इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव टू 3 out of 6 मेंबर्स। पहले एक हाथ भी होता था तो बड़ी बात होती थी, अभी एकदम 50% पे 3 members, जो 6 members की टीम होगी उसमें से 3 इंडियंस हो गए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अभी देखो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, 1919 तक, मतलब और 10 साल बाद क्या हुआ, सिक्स इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, हर एक के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एक इंडियंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे। लिमिटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बनाया लंडन में, एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस हितरेतो परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। तो उनको उन्होंने और एक ऑफिसर बनाया, कहा हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, कहां पे, लंदन में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन 19, अभी पीएससी एग्जाम्स जो होते हैं उसको भी उन्होंने 1926 में स्टार्ट किया। फिर उन्होंने क्या किया, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। पहले एक ही बजट बनता था कंट्री के रूल के लिए, अभी भी हमारे पास एक बजट है। इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल बजट मतलब स्टेट के बजट को सेंट्रल बजट से हटा दिया, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये ऑटोनॉमी दी, ये पावर दिया कि आप खुद से अपने बजट को फंक्शन कर सकते हो। प्लस उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन एंक्वायर की टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस पूरे एक्ट के वर्किंग के लिए उन्होंने कमीशन बनाया, उसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि गो बैक साइमन के नारे का बहुत ज्यादा फेमस है। क्या है साइमन कमीशन, इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, पहले इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। सम इंडियन वुमेन ऑल्सो हैड द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंपॉर्टेंट है। क्रिएशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कब उन्होंने बोला था, 1926 में, एक्ट 1919 में पास हुआ 7 साल बाद। एंड ऑटोनॉमी टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स कि आप आपका बजट खुद से स्टेट लेजिस्लेचर मैनेज कर सकती है। तो बेसिकली अभी हम देखेंगे साइमन कमीशन होता है क्या, ठीक है। पर उसके पहले एक क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, हाँ भाई, उन्होंने सिख हिंदू क्रिश्चियन सबको अलग किया। लिमिटेड फ्रेंचाइज, यस। सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, यस। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, 1, 2 और 3? ऑल द 3, ऑप्शन डी। तो देखो अगर आपको ये एक्ट्स पता होंगी तो एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ ले, यू विल बी एबल टू नो, ठीक है। तो अभी देखते हैं बेसिकली साइमन कमीशन क्या था। तो क्या हुआ था,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 1919 में बोला कि 10 साल बाद मतलब 1929 में एक रॉयल कमीशन आएगा जो ये चेक करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जितने सारे फीचर्स है वो सही से काम कर रहे कि नहीं, जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो ठीक से चल रहा है कि नहीं। और इंडियन पीपल एंड लीडर्स ऑल्सो वॉन्टेड टू रिफॉर्म दिस डायरकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डायरकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या था, हमने देखा डायरकी क्या था कि जो स्टेट के सब्जेक्ट्स थे उसको ट्रांसफर और रिजर्व में डिवाइड किया था। तो इंडियन लोगों को भी लगा कि हाँ हमको भी इन रिफॉर्म्स को चेक करने मतलब जरूरी है चेंज करने के लिए। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, कंजर्वेटिव पार्टी लेड गवर्नमेंट, यूके में कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शंस लड़ रही थी और उन्हें लगा कि वो अभी हार जाएंगी, लेबर पार्टी जीत के आएगी। तो लेबर पार्टी अगर जीत के आती है तो उनको फिर 1929 में डिसीजन लेने नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1929 में उनके 10 साल पूरे हो रहे थे और इनको गारंटी नहीं था कि अगले साल अगर हम जीत के नहीं आए तो डिसीजंस कौन लेगा। तो इसके लिए इन्होंने जल्दबाजी में कमीशन को 1928 में अपॉइंट किया, मतलब उन्होंने 10 साल जगह 9 साल में अपॉइंट किया। ठीक है, ये कमीशन जो था ये पूरा का पूरा ब्रिटिश मेंबर्स का बना हुआ था, एक भी सिंगल इंडियन उसमें नहीं था। और वहां पे लॉर्ड बर्किनहेड, अब अगर देखोगे उन्हें, ही वॉज अ पर्सन बेसिकली ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द कमीशन। और वो ये सोच के थे कि इंडियंस का उतना मेंटल लेवल ही नहीं है कि वो अपने लिए सोच सके या कोई रिफॉर्म्स बना सके कि इंडियन पॉलिटिकल सीन क्या होना चाहिए। तो ही डिडंट कंसिडर इंडियंस दैट स्मार्ट। ठीक है, तो इन्होंने पूरे ब्रिटिशर्स का कमीशन बनाया और उस कमीशन में एक मेंबर था क्लेमेंट एटली। ये नाम मैंने इसके लिए दिया गया कि क्लेमेंट एटली बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो ब्रिटिश ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो साइमन कमीशन के वो एक मेंबर थे। तो आप मुझे बताओ आपके देश के बारे में, हमारे देश के बारे में कमीशन बन रहा है कैसे रूल करना चाहिए, वहां पे एक भी इंडियन नहीं, तो क्या हो गया, इंडियंस भड़क गए। तो साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड, कैसे बॉयकॉट किया, तो कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि हम इस कमीशन का जो सेशन रहेगा मद्रास में 1927 में, उन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे। मुस्लिम लीग के जो ये थे लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी बॉयकॉट किया। अ सर्टेन सेक्शन ऑफ मेंबर्स लेड बाय मोहम्मद शफी सपोर्टेड द गवर्नमेंट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है मोहम्मद शफी ने सपोर्ट किया, हाँ भाई किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। जस्टिस पार्टी एंड साउथ इंडिया ऑल्सो डिसाइडेड टू साइड विद गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। ठीक है, तो जब कमीशन, उन्होंने क्यों सोचा, मैं आपको एक बात बता दें कि क्या होता है, मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी काफी डोमिनेटिंग पार्टीज होते थे, तो उनके चक्कर में बाकी जस्टिस पार्टी, बाकी मोहम्मद शफी का ग्रुप, ये बहुत से लोगों का ना ओपिनियन सप्रेस हो जाता था। तो जब ये दो पार्टीज हट रहे, दे फेल्ट कि ओके हमें गवर्नमेंट के साथ रहेंगे तो कम से कम हमारे ओपिनियन की कुछ वैल्यू रहेगी। तो जब ये कमीशन फरवरी 1928 में आया, बहुत जगह नारे हड़ताल ब्लैक फ्लैग्स लगे, लोग बोलने लगे साइमन गो बैक। तो इसी दौरान, ध्यान से सुनना, इसी नारों के टाइम पे क्या हो गया, सबको मारा, सबको पकड़ा गया, सबको जेल में डाल दिया गया, इवन सीनियर लीडर्स लाइक पंडित नेहरू वाज आल्सो नॉट स्पेयर्ड। तो उस टाइम पे लाला लाजपत राय जो उस टाइम पे 80 साल के थे, वो भी इसमें थे, डेमोन्स्ट्रेशन में थे कि साइमन इसको हटाओ। तो जब लाठी चार्ज किया गया, उस लाठी चार्ज में वो इतने सीरियसली इंजर्ड हुए कि उसके बाद उन इंजरीज के वजह से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, सो साइमन कमीशन क्या, जो ये बॉयकॉटिंग सिचुएशन हुआ, आपको याद रखना है कि लाला लाजपत राय सकम टू हिज इंजरीज बिकॉज ऑफ दैट। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी क्या किया, एक रिपोर्ट सबमिट की थी ऑन बिहाफ ऑफ हुम, बहिष्कृता हितकरणी सभा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि एजुकेशन मिले डिप्रेस क्लास को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, तो उन्होंने अपना एक ओपिनियन प्रेजेंट किया था। इम्पैक्ट क्या हुआ साइमन कमीशन का, ऑब्वियसली साइमन कमीशन ने फिर रिपोर्ट 1930 में पब्लिश की और उन्होंने बोला कि हाँ इसके बाद से हम इंडियंस का ओपिनियन कंसिडर करेंगे। उन्होंने डायरकी को अबोलिश कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया, प्लस उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, सिख्स के लिए अलग रहेगा, इंडियन क्रिस्टन्स के लिए अलग रहेगा, मुस्लिम्स के लिए अलग रहेगा, ये तब तक चलेगा जब तक सारे कम्युनल टेंशन कम नहीं हो जाते। और इसी साइमन कमीशन के एक्ट के वजह से, इस कमीशन के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जो जिसके बहुत सारे बेसिस अभी हमारा करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। द फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937,
एंड इट सॉ कांग्रेस गवर्नमेंट बीइंग सेट अप इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोविंसेस. इसका मतलब ये हुआ, अभी ये कमीशन ने परमिशन दे दिया कि हाँ आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टेट के इलेक्शंस में, अगर आप लोग चाहते हो खड़े रहने के लिए आप खड़े रह सकते हो. तो 1937 में पहली बार ये इलेक्शंस लिए गए और जगह जगह पे कांग्रेस जीत के आ गई. सो द अराइवल ऑफ कमीशन, ये कमीशन की वजह से सारे इंडियंस को ना एक इंस्पिरेशन मिला कि नहीं नहीं हमें इन लीडर्स को भगाना है, हमको मास पावर लानी है. अगर साइमन कमीशन में कोई इंडियन होता तो मुझे नहीं लगता इतना सीवियर इम्पैक्ट उसका इंडियंस के मेंटालिटी पे होता. तो मैंने आपको बताया साइमन कमीशन क्या हुआ, क्यों, कैसे हुआ. 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद वो आया और उसी के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया. और एक चीज इसी दौरान हुई, कम्युनल अवार्ड. देखो जब साइमन कमीशन 1930 में आके चला गया, अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनल्ड, उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, एक सेपरेट स्कीम उन्होंने अनाउंस की जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, ये तो अभी तक चल रहा था, पर उन्होंने ये भी बोला कि अब एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रहेगा. तो देखो 1909 में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, 1919 से सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस के लिए, अभी 1932 में वो क्या बोल रहे हैं कि नाउ विल एक्सटेंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन. गांधी जी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी. उन्हें लगा कि नहीं ये तो मतलब क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा डिविजन किया जा रहा है. उन्होंने लगा कि नहीं नहीं हरिजन आर अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, हमको इतना हर सेक्शन से डिप्रेस क्लास अलग मत करो. सो गांधी जी ने एक फास्ट लिया ऑन टू डेथ, भूख हड़ताल इन येरवाड़ा जेल इन पूना. अगर आपको पता नहीं येरवाड़ा जेल कहाँ पे, तो संजय दत्त भी अभी जिस जेल में थे जब उनको जेल में रखा गया था 5 साल के लिए, तो ही वॉज ऑल्सो इन येरवाड़ा जेल इन पुणे. सो फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू डिप्रेस क्लास, और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इस कम्युनल अवार्ड को मॉडिफाई करो, आप डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं रख सकते. तो फिर सब गांधी जी को मना रहे थे कि आप अपना भूख हड़ताल ये करो, बट नो वन वॉज रेडी. फिर सबने बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोला कि आप जाके गांधी जी से बात करो. ही वॉज इनिशियली रिलेक्टेंट, बट ठीक है, फिर बाद में उन्होंने जाके गांधी जी से बात की और फिर क्या हो गया, एक एग्रीमेंट बन गया लीडर्स ऑफ कांग्रेस और डिप्रेस क्लासेस के बीच, जिसको बोलते पूना पैक्ट, जिसमें क्या बोला कि ठीक है हिंदू ज्वाइंट इलेक्शंस रहेंगे और उसमें रिजर्व क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगे, उसमें डिप्रेस क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व रहेगी. तो आप देख रहे हो कि कैसे एक छोटी चीज से बाकी सारी चीजें हो रहे. 1919 का एक्ट आया, उन्होंने 10 साल का प्लान बनाया, 10 साल का प्लान, 10 साल से पहले 9 साल में उन्होंने साइमन कमीशन बनाया, लोगों ने उसके ऊपर इम्पैक्ट मतलब उसके ऊपर रिवोल्ट किया, और उसी के टाइम पे उसके बाद क्या है कम्युनल अवार्ड. कम्युनल अवार्ड में उन्होंने सोचा कि डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्शंस रखेंगे, गांधी जी को नहीं पसंद नहीं आया, फिर वापस डिस्कशन किया गया और फिर आ गया पूना एक्ट ऑफ 1932. ठीक है, तो ये कम्युनल रिवॉर्ड की स्टोरी मैंने आपको बता दी. अभी हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसी एक्ट के बेसिस पे मैंने बोला कि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है, तो प्लीज बहुत अच्छे से देखना. ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्ट को सेंटर और यूनिट्स के बीच में डिवाइड किया. फेडरल लिस्ट जो सेंटर के साथ रहेगी, प्रोविंशियल लिस्ट जो प्रोविंसेस के साथ रहेगी, कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों के पास रहेगी, और रेसिडरी पावर्स वाइसरॉय को दिए. हाउएवर ध्यान से सुन रहा, फेडरेशन नेवर केम इन टू बींग एज अ प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन. ठीक है, फेडरेशन क्या होता है, एक दूसरे के सहारे मिलके सब डिसीजन साथ में लेना. प्रिंसली स्टेट्स नेवर ज्वाइन, तो ये चीजें 1935 के एक्ट के बाद हुई नहीं. दे एबोलिश डायरकी, जो साइमन कमीशन ने देखो प्रॉमिस किया था कि हाँ ठीक है हम डायरकी एबोलिश करेंगे, तो वो एबोलिश हुई. प्लस उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस किया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, जो गवर्नर का होता है, वहां पे मिनिस्टर्स के एडवाइस पे वो काम करने के पावर्स उनको दे दिए गए. इट केम इन टू इफेक्ट इन 1937. इसके लिए कांग्रेस 1937 में इलेक्शंस कर पाया और बहुत सारी जगहों पे जीत गया, लेकिन 1939 में इस एक्ट को डिसकंटिन्यू किया गया. तो आपको सिर्फ याद रखना कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और बहुत ही लेंदी डॉक्यूमेंट था, कितना लेंदी आप देख सकते हो, 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स. ठीक है,
और भी इसके पॉइंट से आगे देखते हैं। तो अभी हम इन्होंने क्या बोला कि ठीक है स्टेट में डायरकी नहीं रहेगी पर डायरकी सेंटर में रहेगी। ठीक है बायकैमरलिज्म इन 6 out of 11 प्रोविंसेस, मतलब अभी भी देखो अभी भी आप देखोगे सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया में दोनों पार्टी दोनों लेजिस्लेचर्स नहीं होते, राज्यसभा लोकसभा दोनों इसमें नहीं होते। तो आप देखना आज अभी क्लास के बाद आप गूगल करो कि ऐसे कौन से स्टेट्स है जहाँ पे बायकैमरलिज्म फॉलो नहीं होता। ठीक है फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये तो ऑब्वियसली इसका की पॉइंट था। यहाँ पे प्लीज मेंशन देखना सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्होंने बोला फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन एंड लेबर वर्कर्स। ठीक है तो ये अच्छा पॉइंट था बट फिर भी एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज एंड 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, पहली बार ये वोटिंग राइट का बात करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश टू कंट्रोल द करेंसी। सुप्रीम कोर्ट कब बना था 1774 इन कैलकाटा, रिजर्व बैंक कभी 1935। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल बट ऑल्सो प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, नॉर्मली पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था 1926 पर यहाँ पे फेडरल बट प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट। ठीक है ये वाले वर्ड्स याद नहीं रहे तो भी चलेगा, हम बस इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट, ओके कोई बात नहीं। आपको क्या क्या याद रखना है कि यहाँ पे भले ही इन्होंने प्रोविंस को पावर्स दी थी, द वाइसरॉय हैड स्पेशल पावर्स, अभी भी वाइसरॉय है। डेवलपमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आया और सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड टू डिप्रेस क्लास एंड वुमेन। और इसी के एक साल पहले एम एन रॉय ने सजेस्ट किया था कि भाई इंडियंस को एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अभी हम देखेंगे अपना लास्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, बहुत ही आसान है और आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कैसे देखते हैं। पहले क्या हुआ ब्रिटिश रूल खत्म हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में और उन्होंने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट ये डिक्लेयर किया। इंडिपेंडेंट दो डोमिनेंस बने इंडिया और पाकिस्तान। वाइस रॉय का ऑफिस एबॉलिश कर दिया गया। अब मुझे बताओ इतनी मेहनत से गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ इंडिया, क्राउन रूल स्टार्ट होने पे गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे वाइस रॉय, क्राउन रूल खत्म होने आया वाइस रॉय का ऑफिस चला गया। ठीक है और ईस्ट डोमिनियन अ सेंट्रल गवर्नर जनरल हु वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। तो जाने से पहले उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेंगे कौन कैसा क्या रहेगा हर डिपार्टमेंट में। ठीक है इट एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला आपको इंडिया और पाकिस्तान आपको कौन से कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, कौन से रूल्स फॉलो करने, यू हैव द फुल फ्रीडम, आपको कैसा अपना रूल्स सेटअप बनाना है बना सकते हो। उन्होंने दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को बोला कि आपके पास फुल राइट है, आपको आपके लेजिस्लेटर कैसे रूल बनाना है आपके टेरिटरीज में। लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरिया। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी तक क्या था कि सपोज एक किंगडम का कोई भी किंग है फिर भी उसके ऊपर एक ब्रिटिश रूल होता था, एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस होता था ट्राइबल एरियाज में स्टेट्स में। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 या फिर हम उसको बोलते इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 पास हुआ तो क्या हुआ ब्रिटिश का जितना भी रूल था वो चला गया। सिग्निफिकेंस क्या आप याद रखोगे कि 28 February 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, कहाँ थे क्लेमेंट एटली, साइमन कमीशन के एक टीम मेंबर, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल इंडिया में 30 जून 1948 से खत्म होगा। सो यू सी 1948 में खत्म होने वाला था बट एक साल पहले खत्म हो गया। 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आप बना सकते हो। ठीक है 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो वाइसरॉय थे इंडिया के उस टाइम पे उन्होंने एक पार्टीशन का प्लान बनाया जिसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। इस प्लान के तहत क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 या फिर आप इसको ऐसे याद रखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा आप ऐसे याद रखना। फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स, ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि प्रिंसली स्टेट्स के पास ये राइट था कि उनको इंडिया को ज्वाइन करना है पाकिस्तान को या इंडिपेंडेंट रहना है, उसमें हम जब पढ़ेंगे तो हम वो देखते हैं गुजरात हैदराबाद और कश्मीर की स्टोरी। मैं जब आपको IR पढ़ाऊंगी ना तब शायद मैं आपको वो बताऊंगी। फिर उन्होंने ये बोला कि ब्रिटिश मोनार्क के पास अभी कोई बिल्स नहीं होंगे, सारे राइट्स जो रिजर्व थे चले जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स नॉमिनल हेड रहेंगे। ठीक है
डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज, ठीक है, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी फॉर इंडिया एंड सिविल सर्विस सर्वेंट्स अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 विल कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स. मतलब उन्होंने बोला इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले जितने सारे सिविल सर्वेंट्स हैं दे विल कंटिन्यू टू एंजॉय द बेनिफिट्स, उसके बाद नए वाले फिलहाल अपॉइंट नहीं होंगे. और आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो 1946 में बनी बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन, ठीक है, तो उन्होंने ही बाद में आगे चल के इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म किया. नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो कैसे बनाया गया, ठीक है. आज की क्लास में अगर आपको कुछ डाउट हो प्लीज लेट मी नो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी एंड क्रैक. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.